समस्या आने की पढ़ नहीं पाई, इसलिए व्यवस्था करने लगे दूध का। मतलब पढ़ाई नहीं की इसलिए ये हाँ। काम कर रहे, पढ़ लिख लेते तो कुछ और होते, कुछ और काम करती, कुछ ना कुछ कर रहे हो, फ्री तो नहीं हो। फ्री नहीं। आजकल ज्यादातर लोगों को दूध के नाम पर पानी और केमिकल ही बांटा जा रहा है, उन दूधियों के लिए कोई मैसेज डिमांड किसकी ज्यादा है, गाय के भैंस की या दूध के? कहते हैं बच्चों के लिए गाय माता का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक रहता है, क्या ये सच है? सच है बिल्कुल। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या फर्क है एक भैंस गाय बकरी या अन्य पशुओं के दूध में? 50,000 1,00,000 से कम कम। 1,00,000 से कम कोई भैंस आएगी ही नहीं, नहीं आएगी। अगर आपका दूध का व्यापार करना है तो 1,00,000 रुपए होना चाहिए। 60% बचाओ, 40% भैंस को लग जाए। की अयोध्या में राम पैदा हुए, उनने सीख दी, वनवास रहे, उनको धर्म का देख कर चलना चाहिए, मर्यादा का पालन किया उन्होंने। आपका नाम? चंद्रशेखर निषाद। अच्छा, आप बचपन से दूध का व्यवसाय कर रहे हैं या बाद में परिस्थितियों के बदलते शुरू किया? परिस्थितियों के बदलते। मतलब पहले इसके क्या करते थे? पहले पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में ऐसी कोई मतलब समस्या आएगी? समस्या आएगी पढ़ नहीं पाई, इसलिए व्यवसाय करने लगे दूध का। मतलब पढ़ाई नहीं की इसलिए एक काम कर रहे, पढ़ा लिख लेते तो कुछ और होते, कुछ और काम करते, कुछ ना कुछ कर रहे हो, फ्री तो नहीं हो? फ्री नहीं। क्या कारण रहा दूध बेचने का व्यवसाय करने के पीछे? ये कि घर की स्थिति है तो इसमें खर्चा चलता नहीं है, दूध बेचते हैं तो खर्चा चलने लगता है। अच्छा, मतलब उस भरपाल परिवार का भला पूरा होता है। आजकल ज्यादातर लोगों को दूध के नाम पर पानी और केमिकल ही बांटा जा रहा है, उन दूधियों के लिए कोई मैसेज, उन दूधियों को आप कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि आजकल आप भी जान रहे हो मिलावट हो रही है। ये कहना चाहती है किसी की मिलावट ना करें, किसी बीमारी बढ़ रही है इससे, इन लोग बागों को परेशानी होगी, बीमारियों से जूझेंगे, यही कहना चाहती है। ये मतलब दूध वाले कोई मिलावट ना करें, कोई केमिकल भी ना मिलाए, इंसानियत पे चले और सही ईमानदारी से सही दूध बेचे। सही बात। आजकल दूध में पौष्टिकता भी गिरती जा रही है, क्या क्या कारण प्रभावित कर रहे हैं दूध की पौष्टिकता को? लोग बाग कम भैंसे गाय पालते हैं, इसलिए दूध की व्यवसाय कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्यों कम पाल रहे हैं? कि अब जंगल उतना नहीं रहा है और लोग बाग नहीं, तो इन जंगल नहीं रहा तो जंगल के भरोसे पे जानवर थोड़ी पालते हैं, जानवर लोग शहर में भी पाल के रखते हैं, रखे जाते हैं, अकेले इतनी स्थिति नहीं होती है कि जो रख रहे बस घास ले सके, खेती बाड़ी नहीं है इतनी। अच्छा, कि भूसा भर सके अपना, थोड़ी बहुत बाहर का, बाकी हम जंगलों में अपना खिलाते हैं। ठीक है, जंगलों में तरह तरह की बूटियाँ खाती रहती हैं, वो खाती रहती है। हरी धनिया गए, हरी घास है, कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, तो मतलब उनको अच्छा भोजन दे रहे हो। ज्यादातर गाय या भैंस कौन से दूध की डिमांड ज्यादा चल रही है, डिमांड किसकी ज्यादा है, गाय के भैंस की या दूध की? भैंस की। भैंस की। भैंस की दूध। क्यों? भैंस की दूध की अब का बता दें, का लिए ये तो नहीं, लोग बाग ज्यादा पसंद करते हैं, फैट ज्यादा होता है। हाँ, पसंद करते हैं लोग बाग, नहीं उसमें फैट फैट ज्यादा होता है, वही बोल रहा हूँ, फैट ज्यादा होता है ना। गाय के में दूध में कम फैट होता है, कम फैट होता है। वो गाय के भी दूध बच्चों के लिए भी शायद अच्छा, बच्चों के लिए शायद होता है, बकरी का भी अच्छा होता है बच्चों के लिए। कहते हैं बच्चों के लिए गाय माता का दूध सबसे ज्यादा पौष्टिक रहता है, क्या ये सच है? सच है बिल्कुल। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे सच है, मतलब इसको कैसे सच मान लिया? ये कि बादी कम करता है बच्चों के लिए। अच्छा, फैटी नहीं होता है, तो बादी नहीं होता तो बच्चों के लिए, बच्चों को सही है, नहीं उससे बादी बढ़ती है, बच्चों को बीमारी बढ़ती है, उसी फैट का बढ़ता है, लीवर खराब होता है। अच्छा, सही कह रहे हो। क्या फर्क है एक भैंस गाय बकरी या अन्य पशुओं के दूध में, मतलब गाय के दूध में क्या फर्क है और गाय? अब ये कि भैंस का दूध बादी करता है और गाय का दूध बादी नहीं करता। बकरी का? बकरी का पोषण अच्छा होता है बच्चों के लिए, बकरी का अच्छा होता है, बीमारियों के लिए अच्छा होता है बकरी। नहीं, बीमारियों के लिए तो अच्छा होता है, फर्क तो होता होगा दूध में कुछ की? हाँ, वैसे पोषण का फर्क है, फेट में अंतर होता है हर चीज। अच्छा, अगर आपके सामने तीनों दूध रख दिए जाएंगे तो आप पहचान लोगे बकरी का, गाय का? फेट लगेगा तो आप पहचान जाएंगे हम कौन बकरी का है, कौन गाय का है, कौन भैंस का, पहचान सकते हो। तो उत्तम माना गया बच्चों के लिए बकरी का दूध, सबसे उत्तम बकरी का दूध है। अच्छा, दूसरे नंबर गाय का है, दूसरे नंबर फिर भैंस का। भैंस के में सिर्फ फैट ज्यादा है, वैसे भैंस का दूध अच्छा है। अच्छा। कुछ लोग जब पशु दूध देने लायक नहीं रहते उनको खुले में छोड़ देते हैं, घरों से निकाल देते हैं, जिसकी कोई उस पशु पर तो जाती है कि साथ में वो अन्य लोगों के खेतों के बगीचों को भी जाकर पेट पालते हैं,
उन लोगों का भी नुकसान महसूस करते हैं, करते हैं गलत बात। इनके लिए क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि अपना अपना गाय बांध कर रखना चाहिए, जो दूध दो कर ऐसा नहीं कि अन्ना कर दें। हाँ, दूध दो लेते हैं पहले, जब दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ देते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है ना, पाल के रखना चाहिए। पाल कर रखना चाहिए, जब तक उसने दूध दिया तब तक आपने रखा, जब दूध नहीं दिया तो फिर आपने, ये गलत बात है, ये गलत बात है। गाय या भैंस एक पौष्टिक दूध कैसे दे, क्या क्या चारा दें, अन्य भाइयों को सुझाव जो व्यवसाय करते हैं? ये घास खिलाएं, घास में और एक आता है खरी नाम, तेल से खरी निकलती है जो, और घर का वो घर में भी कुछ बनाते हैं ना, घास आज के नहीं, घर में भी खरी जैसे बनाते हैं, खरी है लागा आगा चोखा बनाकर खाया जाता है, उससे अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। तो यही दूसरे लोगों को आपका सलाह है कि वही खिलाएं, चारा खिलाएं, भूसा खिलाएं और खरी वगैरह, यही आपका सजेशन है। एक आम इंसान दूध की शुद्धता या पौष्टिकता कैसे पहचान सकता है? मान लो हम कैसे पहचानेंगे ये पौष्टिक दूध है, ये शुद्ध दूध है? फैट लगने में पहचान सकती है, फैट लगने में, फैट लगने, या फिर उसको ओंठ के दूध या घी ने बनाने से पहचान, तो पहचान सकती है, तो भी पहचान सकती है। शहर में रहने वाले लोगों को दूध से बनने वाली कोई मिठाई की या रेसिपी बता दें, दूध से कौन सी मिठाई या रेसिपी बना सकती है? इसमें सारी मिठाई बनती हैं। अच्छा, हाँ। सारी खोआ से जो खोआ उठता है उसके बाद जो जो बनाना हो वही आधा जो। अच्छा, कोई भी मिठाई बना, कोई भी मिठाई बना सकते हैं। अन्य भाइयों को मैसेज या सुझाव जो ये दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यही है कि अच्छा भैंस गायों को खवाएं और अच्छा चोखा उखा खवाएं, इससे दूध बढ़ेगा, उससे आपको आमदनी होगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा। सही, अगर कोई इस व्यवसाय को करना चाहे उसको कोई सुझाव कैसे, जैसे कि कितने की लागत लगती है, कितनी बचत रहती है, अंत में क्या क्या परेशानियां रहती हैं, और कोई अन्य सुझाव आपकी तरफ से, मतलब इसको अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है ये, तो उसके लिए कम से कम कितनी लागत होनी चाहिए और परिश्रम कितना होना चाहिए? जितना बड़ा आप वो कर सकते व्यवसाय उतना ही लागत लगाना पड़ेगी। फिर भी एक अनुमानित लागत कम से कम 50,000, 1,00,000 से कम कम, 1,00,000 से कम कोई भैंस आएगी ही नहीं, नहीं आएगी। अगर आपका दूध का व्यापार करना है तो 1,00,000 रुपए होना चाहिए। अच्छा, और बचत इसमें कितनी रहती है? मान लो 1,00,000 की भैंस लाए तो कितना बचा पाएगा वो? अब इसमें ऐसा मान लो कि 60% बचा हुआ, 40% भैंस को लग जाएगा। अच्छा, 60% बचत होगी, 60% बचत, फिर उसको बच्चा हो जाएगा तो दो भैंस हो जाएंगे कुछ, दो तीन साल। हाँ, दो तो एक छोटा सा बच्चा बड़े होने में दूध देने तक में कितना समय लगाता है? उसे कम से कम 3 साल लगे, 3 साल लग जाते हैं, मतलब एक दूध भैंस ले ली गाय तो उसको 3 साल बाद दो, हाँ, दो तीन साल बाद। थानिया क्या रहती हैं? अब यही परेशानी है उनको, टाइम टाइम से खवाना, चारा पानी देना, पानी पिवाना, बस बीमारी बीमारी देखना, इलाज इलाज करवाना, कौन सी कैसी बीमारी आई, समय समय से मौसम जैसे चेंज होता है वही आधार से उनकी बीमारी देखना पड़ता है। सनातन भारत प्राचीन काल से ही इंसानियत के धर्म की रक्षा करते आया है, और समय समय पर जिस भी धर्म या मजहब ने जन्म लिया है उसका भी आदर करता आया है। आपके अनुसार एक इंसानियत का धर्म क्या है? हमारा ये धर्म की जो पुरानी प्राचीन की धर्म थी उसको लेकर चलना चाहिए। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म को लेकर चलना चाहिए। सनातन धर्म में क्या ऐसा है जो सनातन धर्म को ही लेना चाहिए? सनातन धर्म में ये है कि जैसे मान लो कि अयोध्या में राम पैदा हुए, उनने सीख दी, वनवास रहे, उनको धर्म का देख कर चलना चाहिए, मर्यादा का पालन किया उन्होंने, मर्यादा का पाठ हमको देखे भी गए, सिखा के भी गए। सिखा भी गए। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।